सब्सक्राइब कीजिए एफके गुरु चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एफके गुरु चैनल। आज का सवाल है दोस्तों, बकरी को बरसात में कैसे रखें, और दूसरा सवाल है कि बकरी को चराई करने के लिए बरसात के मौसम में भेजें या ना भेजें, यानी चढ़ने के लिए भेजें या ना भेजें। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर बरसात का जो मौसम आने से पहले, अभी जो बरसात का मौसम आया नहीं, भी आने वाला है, उससे पहले हमको करना क्या है, उसको टीकाकरण कर लेना है, डिवॉर्मिंग कर लेना है, और दूसरा बात है कि उसको उससे पहले अपना सेट का रख रखाव पर पूरा ध्यान देना है। बकरी को नीचे नहीं बैठने देना है, हाइट वाला जगह पर, या पायलट उलट हो तो पायलट आप बना के रख सकते हैं, अब पायलट के ऊपर बैठे, क्योंकि नीचे से जो सरद गर्म जो बकरी को ना लगे, उससे उसका तबीयत खराब ना हो, इसलिए बकरी को बरसात में इस चीज़ से बचाना है। और आपके फार्म के अंदर जो है शेड के अंदर पानी ना जाना पाए, झीसी ना जो पानी का होता है वो ना जाए, हवा ना जाए, क्योंकि जब हवा भी जाता है ना, होता क्या, उसके साथ में पानी थोड़ा जाता है। जब सूखा मौसम हो फार्म को आप फिर खोल सकते हैं, क्योंकि जो भी हो उसमें का सूख जाएगा, उसके अंदर आप फार्म के अंदर फैन लगा दीजिए, क्योंकि अगर आपको कंक्रीट का है या तो उससे क्या होगा कि फैन चलेगा तो ज़मीन वहाँ पर सूखेगा, तो बकरी को लिए दिक्कत ना होगा। वह कोशिश कीजिए पायलट जो होता है लकड़ी का, जो 2 इंच 4 इंच हाइट का पायलट बनता है, उसको आप बनाकर रखिए, उसके ऊपर बकरी बैठेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कहीं भी देखिए अपने ऊंचा जगह होना चाहिए बकरी के बैठने के लिए, उससे क्या होगा बकरी को सरद गर्म तबीयत खराब नहीं होगा। ये सब फायदा आपको बकरी के लिए है, तो बरसात में आप ऐसे बचा सकते हैं। दूसरा है, क्या बकरी को बरसात में मौसम में चराई करने के लिए भेज सकते, यानी चढ़ने के लिए भेज सकते हैं? तो हाँ, आप भेज सकते हैं, मगर ऐसी जगह पर भेजिए जहाँ पे हाइट, जहाँ ऊँचा चीज़ हो, ऊँचे चीज़ पर जाकर खाते, पहाड़ हो उसके ऊपर हो या जमीन भी हो, हाइट में हो, जहाँ पे पानी लगा हुआ ना होना चाहिए। जो बहुत सा घास आप देखे होंगे पानी लगा हुआ उसके अंदर होता है, या फिर पानी लगने के बाद ख़त्म होता है उसके बाद होता है, वो बहुत ही नुकसान करता है वो घास, बहुत ही वो डेंजर है वो घास बकरी को खिलाने के लिए। तो ऐसे घास से आप बचाइए, क्योंकि नया घास है उसमें से बहुत ऐसा घास होता है जो बकरी को नुकसान करता है, तो ये चीज़ से बचाइए आप। आप वहाँ चढ़ना आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जहाँ ऊंचा जगह हो वहाँ पे बकरी चराई करे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब बीमारी वीमारी पर बकरी को ध्यान देना है, कोई ऐसा हो, पानी से उसको बकरी को बचाना है। दूसरा करना क्या, फार्म में आपको करना क्या है कि बकरी को आने से पहले एक दवा आता है, उसको आपको टब में डाल देना, उसके अंदर उसका खुर रख कर उसे बाद वो अंदर एंट्री करें। मैं उसका दवा का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या उससे क्या होता है कि उसमें टब के अंदर जब बकरी पैर रख के जाएगी, तो उसके खुर में जो भी बाहर का जो बीमारी या कचरा लगा हुआ है, वो बीमारी से फार्म के अंदर बीमारी नहीं जाएगा और बकरी भी बचेगी, वो खुर के थ्रू जो बीमारी आता है। मैं उस दवा का नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं और देख के आप उसको कर सकते हैं। मगर सबसे पहले आप जो भी उसको दवा दे रहा है, दवा दे दीजिए बरसात आने से पहले, इंजेक्शन और डिवॉर्मिंग आप बरसात आने से पहले कर लीजिए। ओके दोस्तों।